बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का रिश्ता पहले दिन से ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। शो में 3 महीने तक लड़ने झगड़ने के बाद सिद्धार्थ और रश्मि के बीच अब रिश्ते सुधरने लगे हैं। फैमिली वीक में रश्मि के भतीजा भतीजी ने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी दोस्ती भी करवाई। सोमवार के एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि देसाई की परवाह करते दिखे। दरअसल बीवी एलीट क्लब टास्क के दौरान आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच लड़ाई होती है। बात गाली गलौज और हाथापाई तक पहुँच जाती है। जब सिद्धार्थ आसिम एक दूसरे के करीब आकर अग्रेसिव होकर बात कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, तब रश्मि देसाई दोनों को छुड़ाने के लिए बीच में आ गई थी। लड़ाई खत्म होने के बाद सिद्धार्थ ने रश्मि को सुझाव देते हुए कहा कि कभी भी उनके लड़ाई के बीच में न आए। एक्टर ने कहा, कभी भी दो अग्रेसिव लोगों के बीच में मत आओ, खास तौर पर उस जगह जहां एक दूसरे को पुश किया जा रहा हो, ऐसे में तुम्हें चोट लग सकती है। मुझे पता है तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। रश्मि सिद्धार्थ का आपस में यूं बात करना जहां उनके फैंस को पसंद आ रहा है, लेकिन आसिम रियाज को दोनों का बात करना बिल्कुल भी रास नहीं आया। बाद में आसिम ने रश्मि के सिद्धार्थ से बात करने पर नाराजगी भी जताई। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।